वाराणसी सिगरा थाना अंतर्गत चांदुआ चित्तूपुर निवासी महेंद्र मौर्य ने कुछ महीने पूर्व दीपक विश्वकर्मा के साथ गाड़ी के संबंध में 2.5 लाख रुपए का लेन देन की थी, जिसके संबंध में निकटतम थाने में मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त विशाल विश्वकर्मा व विवेक विश्वकर्मा आए दिन जान से मारने की धमकी और उठा ले जाने की धमकी देते रहते हैं। पुत्र की जान बचाने के लिए पिता कई बार थाने पर गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज SSP कार्यालय पर पीड़ित पिता ने अपना दर्द बयान किया। आए थे एक दीपक विश्वकर्मा, जो गाड़ी का लेन देन 2.5 लाख रुपए में तय हुआ था, उसमें मैंने एक मुकदमा कराया था दीपक विश्वकर्मा के विरुद्ध, जो कि आज वो जेल में है 2.5-3 महीने से। उनके लड़के मेरे बच्चे को उठा के जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दसियों बार मैं SSP साहब को अप्लीकेशन दिया, मुलाकात नहीं हो पाया था, आज पहली बार मुलाकात हुआ है। कई बार अप्लीकेशन दिया था जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर मेरे बच्चे की हत्या हो जाती या किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आज मेरे पास पेन ड्राइव में उनका रिकॉर्डिंग नोट किया गया हुआ है, लोड भी है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी दी है, उस पेन ड्राइव में विशाल विश्वकर्मा और विवेक विश्वकर्मा दोनों लोगों ने दिया। हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग, उनका नंबर भी है। प्रशासन से निवेदन, अगर एक हफ्ते के अंदर उनके साथ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा भवन के सामने जा करके पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगा। 10 दिन का मैं समय दे रहा हूँ प्रशासन से कि वो कृपया इस चीज़ को गंभीरता से समझे, नहीं अगर कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो ये सिगरा पुलिस पूरी जिम्मेदारी होगी या प्रशासन की जिम्मेदारी। क्योंकि आजकल देखें आप लोगों ने, आप लोग सब लोग जानते हैं कि सारनाथ में क्या हुआ, उसने FIR दर्ज कराया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, उसका बच्चा तो चला गया। कल को बच्चा जाने के बाद अगर उसके जेल भेज दीजिए, प्रशासन किसी प्रकार कोई समस्या करे तो वो तो बच्चा वापस नहीं आएगा। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन उसके बाद प्रशासन क्या कर सकते, जेल भेज दे, फांसी चढ़ा दे, मेरा तो सब कुछ नुकसान हो गया। इस वजह से मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा विधानसभा। कितनी बार धमकी दे चुका है वो? हमको दसियों बार दे चुके हैं, जो कि SSP साहब, और थाने पे जाइए तो थाने जैसे कुत्तों जैसा व्यवहार होता है कि आदमी जाता है कि कुत्ते को रोटी देता है। थाने पे इस तरह स्थिति होती है कि भाई कोई प्रकार का सुनवाई